उनके गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी घटना टली है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जो जेल से जो सिस्टम चल रहा था। पटना के बेउर जेल में बैठकर हत्या की जा रही थी साजिश। पटना पुलिस ने आज मामले को उद्भेदन कर दिया है। बिहार के सबसे बड़े जेल यानी कि बेउर में गांजा और मोबाइल बरामद हुआ था। इस मामले को भी उसी से जोड़ा जा रहा है। 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक रियल एस्टेट कारोबारी का हत्या होने वाला था, जिसके पहले ही पटना पुलिस ने मामले को उद्भेदन कर दिया है और आरोपियों को पकड़ लिया है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता में, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। आज का जो हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया है, एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है, गिरफ्तारी हुआ है और इससे हम लोगों ने जो एक नेक्सस चलता है जेल पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में, उसका जो खुलासा हुआ था 21 तारीख को, जिसमें कुल 5 पुलिस कर्मियों को जेल भेजा गया था, उन्हीं के ही फॉलोअप में जब जो उसमें 4 जो अपराधी थे आप सभी जानते होंगे, छोटू प्रिंस, विवेक पांडे, रणविजय सिंह और मुन्ना सिंह, 4 अपराधी थे जो चारों कुख्यात अपराधी हैं और सभी हत्या के कांडों को देखते थे, हार्डकोर थे, तो उनके साथ 5 पुलिस वालों को जेल भेजा गया था 21 तारीख को। 19 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ था, तकरीबन 2.25 kg गांजा रिकवर हुआ था और अन्य प्रतिबंधित सामान रिकवर हुए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने से विस्तृत पूछताछ की तो इस चीज़ का हम लोगों को पता चला कि ये लोग किसी मर्डर को प्लान कर रहे हैं, बहुत ही सेंसेशनल मर्डर होने वाला था जिसके लिए तकरीबन 20 लाख की सुपारी उठाई गई थी, दी गई थी और ये सारा मर्डर जेल से ही प्लान होना था और उसी के लिए इन लोगों को फ़ोन चाहिए, तो उसमें 4 स्मार्टफोन भी रिकवर हुए थे ताकि पूरी उस घटनाक्रम को कोऑर्डिनेट कर पाए। उन्हीं के द्वारा पूछताछ के क्रम में जो हम लोगों को चीज़ें पता चली, उसके बाद एक विशेष टीम हम लोगों ने गठित किया था जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ, थानाध्यक्ष आलमगंज, सुल्तानगंज, खाजकलां और बेउर, इनका एक टीम बनाया गया था। इसी पे ही सबसे पहले उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया जिसकी हत्या होनी थी और उसको भी सतर्क किया गया, उससे भी हम लोगों को क्लूज मिली और इस घटनाक्रम में टोटल 6 लोग जो कि सुपारी उठाए थे हत्या करने का, उनको उठाया गया है। जो 6 अपराधी हैं ये सभी कुख्यात अपराधी हैं, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोहम्मद एहसान उर्फ बंटी है जो कि महेंद्र पोस्ट ऑफिस शाहगंज सुल्तानगंज का रहने वाला है, ये पहले 3 बारी जेल जा चुका है। एक मोहम्मद राजा उर्फ कल्लू है, पिता मोहम्मद इस्लाम, जो कि शाहगंज थाना सुल्तानगंज का रहने वाला है, ये भी 4 बारी पहले जेल जा चुका है। मोहम्मद फैजल उर्फ अफजल मोहम्मदपुर शाहगंज सुल्तानगंज थाना का है, ये पहले 3 बारी जेल जा चुका है। सदाम हुसैन पिता मोहम्मद हसनू शाहगंज थाना सुल्तानगंज, ये भी 2 बारी जेल जा चुका है। मोहम्मद फैज़ उर्फ सैफ बनवारी चौक सुल्तानगंज का ही पहले जेल नहीं गया, पहली बारी घटना में शामिल हुआ था। और एक अमित कुमार उर्फ छोटू पिता किशोर प्रसाद गुप्ता मीना बाजार का रहने वाला है, इसमें जो पूरा प्लानिंग बाहर से किया है जो अमित कुमार है, इसका जो अपना भाई है बहुत कुख्यात क्रिमिनल है रवि गुप्ता करके है, अलियास सिंघाड़ा उसका निक नेम है, जो कि मर्डर केस में लगभग 4 साल से बेउर जेल में है। तो वही विक्की पांडे और छोटू प्रिंस जो पहले उस दिन जो तस्करी कर रहे थे मोबाइल फ़ोन्स का, उन्हीं के द्वारा रवि गुप्ता को संपर्क किया गया। रवि गुप्ता ने अपने भाई अमित कुमार को संपर्क किया और अमित कुमार ने जो और 3 लोग हैं जो कि इसमें प्राथमिक बनेंगे, एक शमशाद उर्फ साका है और छोटू प्रिंस और विवेक पांडे, इनको साथ मिलके इन लोगों ने बाकी 5 लड़कों का इंतज़ाम किया था और गाड़ियों का इंतज़ाम किया था। इन लोगों ने सबसे पहले जिसके ऊपर हत्या होनी थी धनतेरस वाले दिन ट्राई करने का उस दिन प्रयास किया था, लेकिन उस दिन ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए और पुनः दीपावली वाली रात को ये उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इसी के बीच में हम लोगों को सूचना आ गई थी और हम लोग इनको लगातार छापामारी कर रहे थे, तो कल पट्टन देवी के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से कुल 4 हथियार बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल हैं, 2 देसी कट्टा है, 32 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, 1 बाइक रिकवर हुआ है जो कि चोरी का बाइक है जो कि इसमें उपयोग होना था, और 4 मोबाइल फ़ोन इसमें बरामद हुए हैं। तो जो गिरफ्तार 6 अभियुक्त हैं इनके ऊपर लूट, रंगदारी, छिनतई के आलमगंज, सुल्तानगंज, अगमकुआं, खाजकला और पीर बहोर में अलग अलग केस हैं, बहुत पुराने 2007 से ये लोग एक्टिव हैं। इन 6 के अतिरिक्त बेउर जेल में बंद
चार लोगों को इस केस में रिमांड किया जाएगा, छोटू प्रिंस, विक्की पांडे, रवि गुप्ता उर्फ सिंघाड़ा और एक साका उर्फ शहजाद, जिन लोगों ने जेल से सारा प्लानिंग किया था। हत्या एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं जिनका नाम सुनील यादव है, सुनील भैंसी करके, जो कि मीना बाज़ार के रहने वाले हैं, आलमगंज के रहने वाले हैं। इसका एक और लिंक है, आप जो 21 तारीख को जो केस हुआ था, जो हम लोगों ने 5 पुलिस वालों को जेल में भेजा था, तो उसमें जो 2 अपराधी थे, जो एक बहुत ही चर्चित वैजनाथी हत्याकांड हुआ था, आप जानते होंगे राघोपुर फतेहपुर वाला, तो उसमें फतवा में उसमें जो सुनील यादव है नेम एक्यूज थे, लेकिन बाद में ये वहाँ से उस वाले केस से इनका नाम निकल गया था। तो ये पूरा लिंक जब हम लोगों ने देखा तो इन्हीं की हत्या होनी थी, और इनके द्वारा भी जब इनको सतर्क किया गया, पहले तो उन्होंने पुलिस को नहीं बताया था, तो इनके द्वारा भी बाद में बताया कि इनको 15 दिन पहले जेल से रंगदारी की डिमांड हुई थी। मर्चा मिर्ची गांव में एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि विवादित भी है और जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसी को लेकर विवाद चल रहा था जिसमें ये हत्या का प्लान बनाया गया था। तो उनके द्वारा भी आलमगंज थाना में इनके ऊपर केस करवाया गया है, क्योंकि ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और इससे इनके गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी घटना टली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो जेल से जो सिस्टम चल रहा था उसके ऊपर भी हम लोगों ने उस नेक्सस को तोड़ा है इस वाले ग्रुप का, और सभी को सेल में डलवाया गया है, और 2-2 केसेस में उनको रिमांड किया जाएगा। एक तो जो तस्करी वाला केस था जो कि अपना मोबाइल फ़ोन और गांजा लेके जा रहे थे, और इस वाले केस में भी सभी को रिमांड पे लेकर जाया जाएगा और उनका जेल ट्रांसफर कराया जाएगा। किन के बेटे? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है, इनके निशाने पे और कोई नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने विस्तृत पूछताछ किया है, सभी शूटर्स का भी हम लोगों ने किया है। सुनील यादव की हत्या होनी थी और किसी का लोगों का प्लान 20 लाख का सुपारी दिया था। कितना एडवांस दिया गया था? एडवांस में अभी इन लोगों को 5 लाख रुपया मिल चुका था जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी से इन लोगों ने हथियार लिए थे और चोरी का बाइक खरीदा था। सर, सुनील यादव ने इसको लेकर कोई मामला दर्ज कराया था, किसी तरह सूचना दिया था? नहीं, पहले नहीं दिया था, इन लोगों ने कल ही जब ये पकड़ा गया है, जब उनको सतर्क किया गया है, तो कल उन्होंने आवेदन दिया है थाना में कि 15 दिन पहले जेल से उसको फोन आया था कि तुम हम लोगों को तकरीबन 3:30। जैसा कि मैं सुना मानवजीत सिंह ढिल्लों को क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना के बारे में। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं DNA न्यूज। जरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।